हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक न्यू हैक लाया हूं ट्रेडिंग व्यू का। जैसे मैंने और भी बहुत सारे ट्रेडिंग व्यू पे वीडियो बना चुके हैं, ऊपर कार्ड में आएगा, आप देख लेना। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो एड्स आ जाते हैं, एड्स के पॉपअप आ जाते हैं, लेफ्ट साइड से एड आ जाता है, एक अपग्रेड का एक बीच में पॉपअप आ जाता है, एक स्क्रीन आ जाती है, जब आप चार्ट देखते रहते हो तो काफी अनोइंग हो जाता है बहुत सारे लोगों को। वो एड निकालने के तरीके ये है कि आप ट्रेडिंग व्यू के प्रो, प्रो प्लस और प्रीमियम प्लान्स में पैसा देके अपग्रेड करो, फ्री अकाउंट में वो एड्स आते रहेंगे आपको। अब काफी लोगों को चिढ़ाता है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज कहूंगा कि मैं इस चीज को एनकरेज नहीं करता हूं। मैंने खुद भी ये एक्सटेंशन कभी नहीं डाला है, क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूं, मुझे पता है कि एड्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो आप अगर फ्री में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो एक क्लिक से ही वो एड हट जाता है, क्रॉस बटन मारने दे, फिर कुछ देर तक वो आता नहीं है। तो अगर आप उसको झेल सको, आप उसको रखो, आप मत निकालो। अगर आप फिर भी आप उसे निकालना चाहते हैं फ्री वर्जन में, तो ये वीडियो में आगे बढ़िए। ठीक है, अब दोस्तों, जैसे कि एड्स जरिए देखिए, अभी जैसे मैंने एक ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट खोल के रखा। अब यहाँ पे देखो, मैंने जो जिस जगह पे मार्किंग कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एड है। कभी कभी क्या होता है, इस पोर्शन में भी एक एड आ जाता है बीच में। आप कुछ देखते रहते हैं, आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहला तो एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, ये मेथड गूगल क्रोम के ब्राउजर में काम करेगा, जो कि ऐसा होता है। ठीक है, गूगल क्रोम में मैं उसी का मेथड आपको बता, इसमें आपको एक एक्सटेंशन डालना होता है। अब दोस्तों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, जितने भी फिलहाल के लिए भी एक्सटेंशन अवेलेबल है उसमें कुछ ग्लिच है, कुछ एरर है। मीन वो अभी तो चल जाएंगे, लेकिन 2023 में जाके गूगल क्रोम में से वो निकाले जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कुछ कोडिंग एरर थे। मैं खुद एक कोडर हूं, तो मैंने कुछ सही करके कुछ डाला है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये वीडियो उनके भी काम का है जिनके पास ये एक्सटेंशन ऑलरेडी है। बहुत से लोग अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो ऐसे ही टाइप का एक्सटेंशन मिलेगा जो मौरी 870 यूजर ने बनाया है। इसके अंदर एक इश्यू है दोस्तों, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूं। पहले आप समझो कि आपने अगर ये एक्सटेंशन यूज किया है तो आपको क्या एरर आएगा। आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको इश्यू क्या आएगा, मैं बहुत ही डिटेल में आपको बता रहा हूं। आप सेटिंग्स में जाओ सबसे पहला, ठीक है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सेटिंग्स में आप एक्सटेंशन के अंदर जाएंगे, जिन लोगों का नॉर्मल, मोस्टली नॉर्मल यूजर्स का ये ऐसा व्यू रहेगा, और ऊपर एक ये देखिए, ये कोने में एक ये आप देख रहे हो, यहाँ पे ये बटन ऑफ रहेगा। जिनका ऑन है वो ओके है, जिनका ऑफ है वो उसे ऑन कर ले। अब यहां पे देखिए, इस चीज को आप देखो, लोड अनपैक्ड, इसे आपको करना है। आपको क्या करना है, ये एक्सटेंशन को, ये मैं URL जो है, या आप गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे ना, तो ट्रेडिंग व्यू नो एड्स, ठीक है, आप ये सर्च करो, आपको ये एक्सटेंशंस मिल जाएंगे, दुनिया भर की चीजें मिल जाएगी। मैंने वही पहला वाला जो लिंक है ये क्लिक किया है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ कोड में आना है, यहाँ इसको डाउनलोड जिप करना है। अब ये क्या होगा, ये आपको डाउनलोड जिप करके आपके ब्राउजर में आपको मिल जाएगा। मैं इसको जरा रीनेम कर दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये है। अब आपको इसे अनजिप कर देना है, जिप फाइल एक्सटेंशन में नहीं जाएगी, ये इस वजह से बहुत से लोग परेशान होते हैं। ये ऐसा फोल्डर आ जाएगा, आपको क्या करना है, या तो आपको ये लोड अनपैक को क्लिक करके आपका जो फोल्डर का लोकेशन है आपको वहां से उसे सिलेक्ट कर लेना है, वहां से उसे, या आपको, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसे सिलेक्ट करके आप करें, या तो फिर आप उसको ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहां पे कर सकें। आप जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहां पे ये एक्सटेंशन ऑन हो जाएगा, ऑन ऑफ आप कर सकते हो। और आपका जो ये है, ये देखिए, ये जो एड है ना, मैंने जहां तक नोटिस किया, ये 10-15 सेकंड में आ जाता है यहाँ पे। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, इसको, ठीक है, इसको रिफ्रेश इसलिए करूंगा क्योंकि मैं जब भी एक नया एक्सटेंशन ऐड करता हूं यहाँ पे, तो ये चीज हमको रिफ्रेश करनी पड़ती है उसके एक्टिवेशन के लिए। अब आप अगर आप देखेंगे तो यहां से वो एड 10 सेकंड में नहीं आएगा। मैं जब तक आपको कोई और चीजें समझाता हूं, ये 10 सेकंड ये चार्ट इधर ही रहने दीजिए। अब दोस्तों, यहां पे जो मैं बात कर रहा था, मैंने जो किया, यहां पे आप देखो एक एरर्स है। ये एरर्स को आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, या देखो इस कोड में एरर है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूं कि कैसे चीजों, यहां क्या लिखता है, मैनिफेस्ट वर्जन 2 इज डेप्रिशिएटेड, जो ये कोड है, एंड सपोर्ट विल बी रिमूव इन 2023। अब देखो 2023 आने में कितना ही वक्त पड़ा है, दुनिया भर के लोग ये डेप्रिशिएट एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, फिर जब बंद हो जाएगा तो परेशान होंगे। 2023 में इसको गूगल निकाल देगा। मीन इस कोड का अपग्रेडेड वर्जन अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये कोड पुराना है, ठीक है। और जब तो मैं, और इसके अंदर और भी इश्यू आता है, जब आप इसे
अपग्रेड कर दोगे, इसका ये चीजें चेंज कर दोगे, तो यहां पे ये इस जगह पे यहां पे ब्राउजर एक्शन में यहां पे भी ये इश्यू आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है मैंने इस चीज को। आप लोगों को क्या करना है, जिनके पास ऑलरेडी एक्सटेंशन की फाइल है वो क्या कर सकते हो, आप इसे ओपन कर सकते हो, मैनिफेस्टो जेसन में जा सकते हो, इसको आपको 3 करना है, और जो ये ब्राउजर एक्शन है इसको आपको सिर्फ एक्शन रखना है और इसे आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप क्या करोगे, आप इसे रिफ्रेश करोगे, आपका एक्सटेंशन सही हो जाएगा, एरर हो जाएगा, जिनके पास ऑलरेडी वाली फाइल है। अगर जिनके पास नहीं है तो आप, मैं ये मेरी वाली लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, आपको इसको सीधा सीधा डाउनलोड करना है और इसे अपलोड कर देना, आपको कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ये करेक्शन ऑलरेडी करके रखा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे कोई ऐड नहीं आ रहा है, ऐड गायब हो गया, आपको कोई अनोइंग चीजें नहीं होगी, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। फिर से बता दे रहा हूं, आप सीधा सीधा मेरा एक्सटेंशन आप डाउनलोड करो और आप ऐड कर दो। फिर भी किसी को खुजली है मेरी तरह कि मुझे एरर बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ऑलरेडी एक्सटेंशन है, वो मैनिफेस्ट फाइल ओपन करे, यहाँ पे मैनिफेस्ट वर्जन 2 से इसको 3 करे और यहाँ से ब्राउजर एक्शन का है, ब्राउजर अंडरस्कोर निकाल के इसको सिर्फ एक्शन रखे और रिफ्रेश कर ले, उसका एक्सटेंशन एरर फ्री हो जाएगा, 2023 में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तीसरा भी ये पुराना एक्सटेंशन निकाल के फेंको, मेरा एक्सटेंशन जो यही फाइल, मैं देखो क्रेडिट भी कर रहा हूँ, जिसने बनाया उसी की फाइल उठाया, थोड़ा अल्टर किया है, ये मेरे यहाँ से उठाओ और डाल दो, ठीक है। आगे आगे कुछ तकलीफ आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा इसके अंदर, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी। तो होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ऊपर ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के ऊपर, ऊपर प्लेलिस्ट आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, देख लेना। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक बात दोस्तों, अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए जो आपके दिमाग में है, जो मैं हेल्प कर सकता हूँ, मुझे शेयर करो कमेंट में, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बनाने का। तो दोस्तों बाय, टेक केयर, तब तक के लिए सेफ रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।